हम सब साथ रहेंगे तो ये मुमकिन है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लैब 33। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस शो का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विचर द ब्लड ओरिजिन, जिसको आज नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज किया गया है, जिसको मैंने कुछ देर पहले देख के खत्म किया है। वेट, मैं इस शो के बारे में आप लोगों को खुशी बताऊं, उससे पहले हम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या ये शो इतनी कम रेटिंग डिजर्व करता है या फिर लोग जाके बस इस पे खुन्नस निकाल रहे हैं, इन सब बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आपने इस शो को देख लिया तो आपको ये शो कैसा लगा नीचे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो, ऐसे ही और रिव्यूज रिकमेंडेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। विद दैट बीइंग सेड, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग इस शो के बेसिक डिटेल से। अगर इस शो के बेसिक डिटेल की बात करें तो ये शो विचर का ही एक प्रीक्वल है और इस शो में आपको ओरिजिनल विचर की टाइमलाइन से 1000 से 1200 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। इस सीरीज में आपको 7 वॉरियर्स की जर्नी दिखाई गई है, जिनको इस सीरीज के अंदर आउटकास्ट कहा गया है, जिसमें है मेल्डॉफ, आइल, एरेडिन, फिडॉल, बेलर, ब्रियान और स्कियन। शो का मेन फोकस इन्हीं सभी लोगों को आपस में मिलना और कैसे मिलकर मेवरिन के खिलाफ उसकी पूरी फौज को हराएंगे, इसी के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। इस शो में टोटल आपको 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनका रन टाइम 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में है। इसको आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो और इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी की गई है। स्टोरी के बाद जल्दी से बात कर लेते हैं इस शो के पॉजिटिव पार्ट की। जो इस शो का जो पहला पॉजिटिव पार्ट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो होंगे इस शो के एक्शन सीन्स, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल है। अगर आप उन ऑडियंस में से हो जिनको शो के अंदर काफी सारे एक्शन सीन्स देखना पसंद है तो इस शो में आपको हर 15 से 20 मिनट के बाद एक एक्शन सीन देखने को मिलता है। तो इस शो का जो मैं एक और पॉजिटिव पार्ट आप लोगों को बता सकता हूँ वो ये कि जो इसकी फिल्मिंग लोकेशन है उसकी वजह से आपको इसके सीन्स देखने में काफी अच्छे लगते हैं, तो इस शो की सिनेमाटोग्राफी मुझे पसंद आई। तो इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ फॉलो नहीं कर सकते, इसमें आपको काफी सारे अडल्ट सीन देखने को मिलते हैं, साथ में आपको काफी सारे ब्रूटल और वायलेंट सीन देखने को मिलते हैं और आपको जगह जगह पे आपको ब्लड देखने को मिलता है, तो आप इसको अपनी फैमिली का फॉलो नहीं कर सकते। तो इस शो के जितने पॉजिटिव पार्ट मैं बता सकता था मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अब बात करते हैं इस शो के नेगेटिव पार्ट की, जो बहुत सारे। तो इस शो का जो पहला नेगेटिव पार्ट होगा वो होगा इसकी वीक स्टोरी, मतलब स्टोरी जहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। आप पूरी स्टोरी में कहीं पर भी करेक्टर के साथ कनेक्ट फील ही नहीं करते। इस पूरे शो को देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि विचर के सीजन नंबर 2 और सीजन नंबर 3 के बीच में जो गैप आया है उसको फिल करने के लिए जस्ट इस शो को बना दिया गया है, क्योंकि मुझे इस शो की स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक फील हुई, साथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा रश लगी। और मैं ये बोल सकता हूँ कि इस शो में जो 4 एपिसोड्स हैं वो पूरे नहीं है इसकी पूरी स्टोरी को शो करने के लिए। इस शो का जो दूसरा नेगेटिव पार्ट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो होगा इस शो के जो करेक्टर्स हैं उनकी बैक स्टोरी को ना दिखाना, क्योंकि आप एज ऑडियंस उन करेक्टर से इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हो। शो में उन करेक्टर के साथ कुछ भी हो रहा है उसका आपके ऊपर एज एन ऑडियंस इतना ज़्यादा इमोशनली कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैं कोई विचर वर्ल्ड का फैन नहीं हूँ, बट मैंने इसके 2 सीजन देखे हैं और मैंने उस सीजन में इनका VFX वाला काम देखा है, तो मैं इस सीजन को देखने में इतना बोल सकता हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा सा VFX वर्क जो है वो थोड़ा सा रफ लगा। शो के काफ़ी सारे VFX वाले सीन्स आपको चाइल्डिश फीलिंग देते हैं, तो इस शो को पूरा देखने के बाद मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये शो विचर के लेवल को मैच नहीं करता है और जो IMDb पे इसको रेटिंग मिल रही है वो रेटिंग ये डिजर्व करती है, इसलिए मैं भी इसको रेटिंग दूंगा 1.5/5 स्टार्स। और इतना बोलूंगा कि अगर आप लोग विचर के फैन नहीं हो तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, और अगर आप लोग विचर के फैन हो तो आप इसको दिल पे पत्थर रख के देख सकते हो, आपको ये इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करेगी। तो ये थे मेरे थॉट्स अबाउट द शो विच अप लोड ओरिजिन, जिसको आप जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। अगर आप लोगों ने इस शो को देख लिया है तो आपको ये शो कैसा लगा नीचे आके अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो, ऐसे ही और रिव्यूज रिकमेंडेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करो ताकि आपसे आने वाली वीडियो कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइफ 33।